क्या इजिप्ट के पिरामिड्स हिंदू देवी देवताओं द्वारा बनाए गए थे? पिरामिड्स जिनको आज से हजारों साल पहले बनाया गया था, पर आज के साइंटिस्ट भी इस बात को समझ नहीं पाए कि आखिर ये पिरामिड्स बनाए कैसे गए थे। उस जमाने में बिना किसी मशीन का उपयोग करे इन पिरामिड्स को बनाना आखिर कैसे संभव था? ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा का कोऑर्डिनेट 29.97192458 डिग्री नॉर्थ है, जो कि बिल्कुल लाइट की स्पीड से मेल खाता है। आखिर उस वक्त के लोगों को इतनी सटीक जानकारी मिली कहां से? कुछ एलियन थ्योरिस्ट का यह भी मानना है कि पिरामिड्स को बनाने में एलियंस ने इंसानों की मदद की थी, तो कुछ कहते हैं यह ईश्वर ने बनाए थे। चलिए आज हम देखते हैं ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के कुछ रहस्य और हिंदू देवी देवताओं का क्या संबंध है इन पिरामिड्स से। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा दुनिया के 7 अजूबों में से एक है और सबसे अलग भी है। इस पिरामिड को बनाने के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल करा गया है वे 3 से 4 टन के हैं और कुछ सबसे भारी पत्थर 70 से 80 टन के हैं। एक आम इंसान के लिए इतने भारी पत्थरों को उठाना असंभव सा है। और यही नहीं, जो पत्थर इस पिरामिड को बनाने के लिए इस्तेमाल करे गए हैं वो पिरामिड से बहुत ज्यादा दूरी पर है। पिरामिड को बनाने के लिए लाइमस्टोन, ग्रेनाइट ऑबस्टर और बेसाल्ट जैसे पत्थरों का इस्तेमाल करा गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि ये पत्थर पिरामिड के लोकेशन से लगभग 800 किलोमीटर दूरी पर पाए जाते हैं। तो आखिर इतनी दूर से इन पत्थरों को यहां तक लाया कैसे गया? ये तीनों पिरामिड एक गठबंधन में है जो कि बिल्कुल ओरियन बेल्ट से मेल खाता है, जो कि पृथ्वी से लाखों लाइट ईयर्स दूर है। कुछ एंशिएंट एलियन थ्योरिस्ट का यह भी मानना है कि पिरामिड्स उस काल के पावर पॉइंट्स थे जो पूरी पृथ्वी पर ऊर्जा फैलाते थे। तो कुछ का यह भी मानना है कि यह एलियन स्पेसशिप के लैंडिंग पॉइंट या चार्जिंग पॉइंट थे। पिरामिड्स को आज जैसा हम देखते हैं शुरुआत में वो वैसे नहीं थे। जब पिरामिड्स का निर्माण करा गया था वे बहुत ही चमकीले और साफ थे। पिरामिड्स के अंदर ऐसी ऐसी तक्काशियां हैं जो आज के विज्ञान को पीछे कर देती हैं। पिरामिड्स के अंदर की तक्काशियों में हेलीकॉप्टर, एटॉमिक बम, बल्ब जैसी काफी ऐसी चीजें बनी हैं जो उस समय के विज्ञान से बहुत आगे थी। पर बात यही नहीं खत्म होती है। इजिप्ट के कुछ देवी देवता बिल्कुल हमारे हिंदू देवी देवताओं से मेल खाते हैं। जैसे आतुम और महादेव, ब्रह्मा और रा, मत और दुर्गा माँ। एक तक्काशी हमारे विष्णु देव जैसी है, जो बिल्कुल भारत में पाए जाने वाली नक्काशियों जैसी है। तो आखिर हिंदू देवी देवताओं का इजिप्ट से क्या कनेक्शन था? क्या हमारे हिंदू देवी देवता इजिप्ट भी गए थे? पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।